नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप जो सामने कबूतर देख रहे हैं, ये जो है वाइट वाला बेदाग, ये कलदुमा क्या नीलदुमा है, क्योंकि आप इसके पूंछ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक है, तो इसको हम लोग नीलदुमे बोलते हैं। जब हल्का सा ब्लैक हो तो उसको नीलदुमे बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस होके आते हैं। और इसका जो जोड़ा मैंने लगाया था, जोड़ा भी लग गया है। और जोड़ा ही लगा है, इसकी जो मादी है यहाँ पर बैठी है, ये देखिए, ये वाली मादी है। मैं इसको पास से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, बिल्कुल एक बित्ते के हैं, एक बित्ते की मादी है, वो छोटी साइज में है। ये देखिए, ये देखिए, आंख देख लीजिए भाई, और बहुत ही खूबसूरत फीमेल है ये। और साथ में इसका नर भी जो बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है, पर थोड़ा सा आइस में डिफरेंट है। ये इसकी आइस थोड़ा हल्की रेड है और इसकी वाइट में है। तो मैंने इसको केवल एक ही दिन, एक घंटे के लिए मैंने इन दोनों को बंद किया था, इनका जोड़ा भी लग गया। अब समस्या ये है कि जो मैंने बंद किया था इसमें बंद करके रखा था, और जबकि इसमें जब मैंने बंद किया था इसका, इस वाली फीमेल का जो ललदुमी मादी है, इसका पहले से इस पर कब्जा है। तो जब भी ये दोनों इसमें जाते हैं तो ये आके भगा देती हैं, नहीं तो अब तक जो है ये मीटिंग कर देते और कुछ दिन के बाद शायद अंडे बच्चे की भी तैयार कर लेते। तो सबसे पहले तो इनका इलाज करना पड़ेगा कि इसकी व्यवस्था कहाँ की जाए, क्योंकि ये ऐसी बार बार जाएगी और भगाती रहेगी। देखिए, अभी ये जो मादी उसी में जाके बैठेगी। अब दोनों लोग जो हैं इसके लिए लड़ रहे हैं जगह के लिए, और मेल वो देखिए बैठा है ऊपर, उसी में जाने के लिए ये बार बार उसी में जाएगी ये। और ये जो जितनी वाइट वाली आप देख रहे हैं, ये सब ललदुमों से निकली हुई है, ललदुमे से निकले हुए हैं सब सारे बच्चे। चार बच्चे जो हैं मैंने ललदुमे से निकाली है, और फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो थोड़ा सा वो दिक्कत में आ गया था, इसलिए मैं ज़्यादा बच्चे नहीं पाता है। और अब की जो अंडे दिए उसने, तो मादी उसकी क्रॉस हो गई थी, इस वजह से वो शाहजहाँपुरी बच्चों में आ गई, बच्चे निकाल दी, क्योंकि वो शाहजहाँपुरी से क्रॉस हुई थी, इस वजह से उसने बच्चे भी वही निकाल दिए। ये देखिए भाई, उसने भगा दिया, ये नीचे आ गई, अभी ये चक्कर फंस रहा है। तो इसका भी चलिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं और फिर हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। इनके अंडे बच्चे होंगे तो उसका भी शो कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक था, तब तक करिए इंतजार। नमस्कार, बाय बाय।